अब गाइस जो हमारा ये वाला लॉजिक था, ये वाला सिंपल, हमें यही लॉजिक क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से यही लिख देते हैं गाइस, कोई चेंज नहीं करना, सिंपल सेम ही लॉजिक है। यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक स्ट्रिंग वैल्यू ले लेंगे, और मैं दोबारा यहाँ पे राइट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को ऊपर कंफ्यूजन हो गया हो पहले। तो यहाँ पे एक बार और दोबारा समझा देता हूँ मैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करा गाइस, हमने शेयर्ड प्रेफरेंस लिया, क्योंकि जितने भी हमारे शेयर्ड प्रेफरेंस है, मतलब हमारे जितने प्रेफरेंस है वो किस में होते हैं, शेयर्ड प्रेफरेंस में होते हैं। फिर हमने कौन सा मेथड लिया, यहाँ पे एक गलती हो गई गाइस, मैंने शेयर्ड प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट नहीं लिया। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है। ओके, तो अब आप देख सकते हो गाइस कैसे फाइंड करा हमने, गेट स्ट्रिंग से। जैसे ही मैंने यहाँ पे लगाया, इसने सबसे पहले मुझे क्या दे दिया, गेट स्ट्रिंग दे दिया यहाँ पे। और अब मुझे क्या फाइंड करना है, क्योंकि गाइस वैल्यू कहाँ आपको कौन सा लेबल सेट करना है प्रेफरेंस में। ओके, इस चीज को आप ध्यान से समझना गाइस, हमने प्रेफरेंस करा ऊपर, यहाँ पे जो हमारी प्रेफरेंस थी इसके अंदर मैंने क्या सेव करा, कि कौन से प्रेफरेंस की थी। ओके, कौन सा प्रेफरेंस, हमारा जो प्रेफरेंस लिस्ट था वो इसमें सेव कराया था। अब हमें जब उस प्रेफरेंस लिस्ट पे कौन से लेबल की वैल्यू थी वो सेट करवाना है। मतलब जब मैं वैल्यू फेच करूंगा तभी तो वो लेबल सेट होगा, मुझे वो लेबल कैसे मिलेगा, वैल्यू के थ्रू। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, प्रेफरेंस से फाइंड कर सकता हूँ कि, और यहाँ पे क्या दे दूंगा मैं, एम्प्टी स्पेस दे दूंगा। अब हमारे पास क्या आ चुका है गाइस, प्रेफरेंस आ चुका है, प्रेफरेंस की जो की पे जो वैल्यू थी वो आ चुकी है। तो बेसिकली हमारा क्या फाइंड हो गया, लेबल फाइंड हो गया है यहाँ पे। ओके, इस चीज को कंफ्यूज मत होना गाइस, यहाँ पे जब हमने गेट की करके क्या करा है, वैल्यू से फेच करवाई है, वैल्यू फेच करवा के। और आप देखो यहाँ पे बिल्कुल सेम है गाइस, सेम ही लॉजिक इम्प्लीमेंट हुआ है हमारा, जो हमने ऊपर इम्प्लीमेंट करा था। और इस चीज का भी हमेशा ध्यान रखना गाइस, ये जो गेट स्ट्रिंग हमने यहाँ पे यूज करा है, ये वाली जो पूरी लाइन है, ये कभी चेकबॉक्स वाले के लिए रन नहीं होगी ये पूरी लाइन, मैं दोबारा बता रहा हूँ। क्यों, क्योंकि जैसे शेयर्ड प्रेफरेंस है, शेयर्ड प्रेफरेंस में गाइस हमारा क्या है, चेकबॉक्स भी है। अगर हमें चेकबॉक्स पे कोई ऑपरेशन करवाने होते तो यहाँ पे गेट स्ट्रिंग की जगह मैं क्या लिखता, बूलियन लिखता, क्योंकि ये क्या है गाइस, जो हमारी प्रेफरेंस लिस्ट है ये तो क्या ले रहा है, स्ट्रिंग टाइप वो ले रहा है, क्योंकि परफॉर्म क्या कर रहा है, स्ट्रिंग टाइप की एन वैल्यू पे वर्क कर रहा है, लेबल पे एंड या अलग चीज पे वर्क कर रहा है। लेकिन जो हमारे वो वाले थे चेकबॉक्स, वो किस पे वर्क करते हैं, ट्रू या फॉल्स, मतलब बूलियन पे। तो यहाँ पे जो हमारा गेट स्ट्रिंग मेथड है यही गलत हो जाता है वहां पे। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, रन टाइम, अगर हम गेट स्ट्रिंग यूज करेंगे बूलियन के लिए तो क्या आ जाएगी, रन टाइम एरर आएगी आपको, कोड रन करने से पहले एरर नहीं आएगी, रन टाइम एरर आएगी। एंड होपफुली गाइस आपको अब सारी एरर्स का भी पता होगा कि कौन सी रन टाइम एरर होती है, कौन सी एरर होती है, क्योंकि ये भी हम लोग बहुत डिस्कस में बात कर चुके हैं। तो अब क्या कर लेते हैं गाइस, बेसिकली इसको समरी को सेट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेता हूँ मैं, सिंपल सेट प्रेफरेंस समरी, और इसमें क्या पास करवा देते हैं, एक तो प्रेफरेंस और दूसरी क्या चीज पास करवानी है हमें, जो हमें इस पे वैल्यू सेट है। तो बेसिकली हमारा क्या हो गया गाइस, यहाँ पे वैल्यू आ गई थी हमारे पास यहाँ से की से, मतलब जो प्रेफरेंस लिस्ट थी उसकी की मैंने फाइंड करी, की पे जो वैल्यू थी वो फाइंड करके यहाँ स्टोर करवा दी वैल्यू पे, और उस वैल्यू पे जो क्या था, लेबल था, वो किस पे सेट हो जाएगा, प्रेफरेंस पे सेट हो जाएगा। तो गाइज ये तो हो गया हमारा यहाँ तक का लॉजिक, राइट। इसको थोड़े से कर्ली ब्रैकेट्स को ऊपर कर लेते हैं गाइस, ताकि थोड़ा बेटर लगे ये। एंड इस चीज का आप ध्यान रखना, कौन सा ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस किसका है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑन शेयर प्रेफरेंस चेंज है। अब गाइस ये तो हो गया हमारा यहाँ तक का लॉजिक, कि हमने ऑन शेयर प्रेफरेंस चेंज हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, जो हमारा मेथड था, राइट। लेकिन अभी ये हमने इनिशियलाइज नहीं करा है, मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि हमें इसे रजिस्टर करना पड़ता है और डी रजिस्टर करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप क्या कर देते हैं, एक बार रजिस्टर कर लेते हैं, और एक बार क्या कर लेंगे, इसे अनरजिस्टर कर देंगे इस लिसनर को, किस कौन सी क्लास पे, जो हमारी कौन सी है, ऑन क्रिएट और ऑन डिस्ट्रॉय। और बेसिकली क्लास नहीं गाइस, आप स्टेट सोच लो। ओके, जो हमारी लाइफ साइकिल स्टेट है कौन कौन सी, ऑन क्रिएट ऑन डिस्ट्रॉय पे। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, ओवरराइड कर देंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं पब्लिक पब्लिक वॉइड ऑन क्रिएट बंडल सेव्ड इंस्टेंट स्टेट। ओके, इंस्टेंट स्टेट आ गई हमारी यहाँ पे। अब हमारे पास यहाँ पे एरर क्यों आ रही है गाइस, क्योंकि हमने यहाँ पे सुपर ऐड नहीं कराया सिंपल। तो पहले सुपर ऐड कर लेते हैं, सुपर डॉट ऑन क्रिएट, और क्या पास कर देंगे गाइस में, सेव्ड सेव्ड इंस्टेंट स्टेट। ओके, ये तो क्या हो गया हमारा, ऑन क्रिएट हो गया है। अब हमें क्या चाहिए गाइस, जो हमारा प्रेफरेंस स्क्रीन था मुझे उस पर सेट करवाना है इसे, कि रजिस्टर हो जाए। तो बेसिकली मैं क्या यूज करूंगा, सबसे पहले गेट क्या, प्रेफरेंस स्क्रीन। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, प्रेफरेंस स्क्रीन आ गया। उसके बाद हमारा क्या आएगा कि वो क्या करे, शेयर्ड प्रेफरेंस करे। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, शेयर्ड प्रेफरेंसेस आ गया। तो बेसिकली गाइस इस अब तक होपफुली आपको क्लियर हो गया हो क्या होता है हमारा, एक शेयर्ड स्क्रीन होता है, उसके अंदर शेयर्ड प्रेफरेंसेस होते हैं। शेयर्ड स्क्रीन का होता है गाइस, जिसमें हमारे प्रेफरेंसेस दिखते हैं।
शेयर्ड प्रेफरेंसेस कौन से होते हैं, चेकबॉक्स हो गया, प्रेफरेंस लिस्ट हो गया, ये कौन से हो गए, सारे शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर आते हैं। तो बेसिकली पहले हमने प्रेफरेंस स्क्रीन सेट करा, फिर शेयर्ड प्रेफरेंस सेट करा और उस पर क्या रजिस्टर कर दिया, फिर हमने इस वाले शेयर्ड प्रेफरेंस पे हम क्या सेट कर दें, तो यहाँ पे सिंपल मैंने सेट कर दिया दिस। इसे क्या कर लेते हैं गाइज, नीचे कर लेते हैं ताकि आप लोगों को बेटर दिखे। तो यहाँ पे क्या आ गया गाइज, हमने रजिस्टर कर दिया इसे सिंपल। एंड जब मैंने एक चीज का और ध्यान रखना गाइज कि मैंने यहाँ पे जो सेल्फ रेफरेंस दिया है दिस, एक्चुअली यहाँ पे हमें क्लास नेम देना पड़ता, प्रॉपरली सब कुछ देना पड़ता ये चीज, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने सुना है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे सेल्फ रेफरेंस देना है, कहाँ पे नहीं देना है, कहाँ पे स्पेशल ऑब्जेक्ट बना के देना है, कैसे वर्क करता है। तो गाइज इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब मैंने यहाँ पे सेल्फ रेफरेंस दिया है ओके, कि लिसनर को मैंने सेल्फ रेफरेंस दे दी, यहाँ पे इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आई नो कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, क्योंकि यहाँ पे इसलिए पॉसिबल है क्योंकि गाइज अगर आप यहाँ पे ऊपर देखो, मैंने क्या करा है, मेन जो हमारी क्लास है मैंने उसमें इम्प्लीमेंट करा है ऑन शेयर्ड, इसका ऑब्जेक्ट इसमें इम्प्लीमेंट करा है, जो हमारा ऑन शेयर्ड प्रेफरेंस चेंज लिसनर है इसमें इम्प्लीमेंट करा है, इस वजह से क्योंकि इस क्लास के हम बेस क्लास में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये बेसिकली इसलिए पॉसिबल है। अगर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते, जैसे कोई इनर क्लास होती, अगर इनर क्लास होती और फिर मुझे जो हमारी सेटिंग फ्रेगमेंट है उसके अंदर देना होता, तो गाइज मुझे यहाँ पे सेल्फ रेफरेंस वर्क नहीं करता। तो होपफुली गाइज आप लोगों को इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब कि कहाँ पे सेल्फ रेफरेंस देते हैं, कहाँ पे नहीं देते हैं। और जो आगे जैसे जैसे इंस्टेंस आते रहेंगे गाइज, मैं और आपको बताता रहूंगा इसके बारे में, क्योंकि ये चीज गाइज किससे आती है, प्रैक्टिस से आएगी, जैसे जैसे आप वर्क करते रहोगे राइट, अलग अलग सिनेरियो पे देखते रहोगे कि कौन से सिनेरियो पे लग रहा है, कौन से पे नहीं लग रहा, ये चीज थोड़ी सी एक्सपीरियंस से आती है, ताकि जैसे जैसे आपको पता लगता है कि किस चीज से क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूंगा एम्बिग्युइटी पे फर्क पड़ जाता है, तो आई नो आधे लोग क्या हो जाएंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे कि एम्बिग्युइटी किस स्टेट में हमारी एम्बिग्युइटी लगती है, किस स्टेट में नहीं लगती, कौन सी सिचुएशन पे लगती है, कौन से उसमें हमें फाइनल स्टैटिक करना है, कौन से उसमें फाइनल पे चाहिए, कौन से उसमें सेल्फ रेफरेंस चाहिए। तो आई नो आधे लोग तो ये सुन के कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं एकदम ना बता के, क्योंकि मैंने पीछे भी बताया ये, लेकिन मैं दोबारा बताता रहता हूँ, क्योंकि गाइस ये चीज ऐसी है, आप जितनी बार सुनोगे कि कहाँ लगनी है, कैसे लगनी है, कैसे इंप्लीमेंट होनी है, उतना आपके लिए बेटर है। अब हमारे एक तो हो गया गाइस ऑन क्रिएट का, जो दूसरी हमारी लाइफ साइकिल इवेंट थी जिसपे हमें ये लगाना था, वो कौन सा है हमारा, ऑन डिस्ट्रॉय। और ऑन डिस्ट्रॉय पे हमें क्यों लगाना था, क्योंकि ऑन डिस्ट्रॉय पे हमें इसे अनरजिस्टर करना था। यहाँ पे क्या करना है, हमें रजिस्टर करना है, बट ऑन डिस्ट्रॉय पे इसे हमें अनरजिस्टर करना है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पब्लिक वॉइड ऑन डिस्ट्रॉय, यहाँ पे सुपर कॉल कर लेते हैं इसका सिंपल, सुपर ऑन डिस्ट्रॉय ओके। और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सेम लॉजिक लगा लेते हैं गाइस, जो हमारा प्रेफरेंस स्क्रीन है उस पर क्या लगा लिया हमने, शेयर्ड प्रेफरेंस लगा लिया, और उस पर क्या लगा लिया हमने, पहले हमने रजिस्टर किया था किसमें, ऑन क्रिएट में, अब इसमें क्या कर देंगे, अनरजिस्टर कर देंगे, कौन सी, इसी वाली एक्टिविटी में। तो गाइस यहाँ पे हमारा पूरा लॉजिक पूरा हो गया है, हमारा ऑन शेयर्ड प्रेफरेंस चेंज का भी पूरा लॉजिक हो गया, देख लेते हैं एक बार यहाँ पे हमारी कोई गलती तो नहीं हो गई है। सो इट लुक्स ऑल गुड गाइज। एंड एक चीज और, ये जो हमने यहाँ पे अनरजिस्टर करा था, ये लॉजिक गाइज वही वाला है, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि जो हम एक्टिविटी जो हमारी लाइफ साइकिल होता है राइट, ऑन डिस्ट्रॉय जैसी, हम जैसे किसी स्क्रीन को हम लोडर्स क्यों, अगर आपको याद हो गाइज मैंने आपको बताया था लोडर्स की एक हमने अलग से लेसन लिया था कि कैसे लोडर इम्प्लीमेंट करते हैं एंड मेमोरी लीक कैसे होता है राइट। तो ये भी लॉजिक थोड़ा बहुत सेम है कि जैसे लोडर्स में था गाइस कि हम ओरिएंटेशन चेंज कर लें, तो हमारी एक एक्टिविटी है उसने नेटवर्क से रिक्वेस्ट कर दी, अब नेटवर्क से रिक्वेस्ट हमारे पास रिवर्ट बैक होके आई एंड वो एक्टिविटी वहां पे एक्सिस्ट नहीं करती, एंड सिंपल क्या हो जाएगा, एक हमारे पास मेमोरी लीक पैदा मतलब क्रिएट हो गया राइट। अब सेम चीज यहाँ पे भी है कि अगर मेरा कोई चेंज लिसनर शुरू तो हो गया और मेरी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो गई, मैंने ओरिएंटेशन चेंज कर लिया कुछ, अब वो लिसनर, एक लिसनर तो ऑलरेडी चला है, एक दूसरे ने और स्पेस ले ली, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, हमारा मेमोरी लीक हो जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे अनरजिस्टर अनरजिस्टर करते हैं, एंड बेसिकली लॉजिक सेम है गाइस एंड इम्प्लीमेंटेशन भी सेम है। एंड मेमोरी लीक पे हमेशा ध्यान रखना गाइस, मेमोरी लीक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको अपने जो कोड है वो फुल ऑप्टिमाइजेशन में रन करने हैं, क्योंकि अगर आप मेमोरी लीक्स का ध्यान नहीं रखोगे तो वो बेसिकली उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है आपका ओके। तो अब क्या करके देख लेते हैं, अब एक बार रन करवा के देख लेते हैं इम्यूलेटर में गाइज, एंड बेसिकली देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है ओके। सो गाइज यहाँ पे अब क्या करके देख लेते हैं, अपना ऐप रन करा के देख लेते हैं हम लोग, एंड यहाँ पे इसे परमिशन दे देते हैं, एंड यहाँ पे अब क्या कर लेते हैं, सेटिंग्स में चल गए सिंपल, हम यहाँ पे क्या करके देख लेते हैं, कलर चेंज करके देख लेते हैं। एंड आप देख सकते हो गाइज जैसे ही मैं आप कलर चेंज करो, हमारी प्रेफरेंस लिस्ट क्या हो रही है, सही से अपडेट हो रही है।
तो हमारा गाइस यहाँ तक का जो हो चुका है वो हो चुका है कंप्लीट। जो हमारी प्रेफरेंस लिस्ट थी राइट, वो अब सही से अपडेट हो रही है एंड सारे चेंजेस हमारे जैसे शो होने थे वैसे शो हो रहे हैं।